बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्रिटिकल पाथ मेथड को डिस्कस करेंगे। सीपीएम है क्या चीज़? तो ये मैं नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम प्राइमोविरा को इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो लेक्चर है हमारा सीपीएम है, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेस होता है। आप जो स्केजुअलिंग करते हैं वो इसी की बेस पे होती है। और क्रिटिकल पाथ मेथड को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, और आप मुझे और मेरी स्लाइड्स को क्लोजली फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये एक टेबल है जिसमें एक्टिविटी, ड्यूरेशन और प्रेडिसेसर, ये तीन चीज़ें हमें समझनी है। तो सबसे पहले एक्टिविटी क्या चीज़ है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल सेट की है। जिस तरह ये एक्सकवेशन, एक्सकवेशन एक एक्टिविटी है, पीसीसी है, ब्रिक वर्किंग फाउंडेशन, ये कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस है जिनमें से हमें गुजरना पड़ता है। और इसमें सबसे पहले जिस तरह एक्सकवेशन एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, तो वो जो टाइम होता है उसे ड्यूरेशन बोलते हैं। अब जिस तरह यहाँ पे पीसीसी है, अब इसके साथ जो ये पीसीसी एक्सकवेशन के साथ लिंक है, अब जब तक ये पीसीसी स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक हमारी एक्सकवेशन खत्म नहीं हो जाती, तो पीसीसी की जो प्रेडिसेसर है वो एक्सकवेशन है। इसी तरह जो ब्रिक वर्क का प्रेडिसेसर है वो पीसीसी है। मतलब ये है कि प्रेडिसेसर वो एक्टिविटी होती है जो खत्म होने के बाद अगली एक्टिविटी स्टार्ट होती है। मतलब पीसीसी का प्रेडिसेसर एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के खत्म होने के बाद हमारे पास पीसीसी स्टार्ट होगी। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि एक्टिविटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है और प्रेडिसेसर क्या है। इसके बाद जो एक्सपीरियंस प्लानर होते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट में तमाम एक्टिविटीज़ की जो एक लिस्ट बनाते हैं या एक डायग्राम बनाते हैं जिसे लार्ज नेटवर्क डायग्राम कहते हैं, उसमें वो हर एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश डिफाइन करते हैं। उसके अलावा उस एक्टिविटी का फ्लोट और उसका ड्यूरेशन भी सेट किया जाता है। अब ड्यूरेशन तो बेस करता है प्रोडक्टिविटी पे, या फिर ड्यूरेशन बेस कर रहा होता है आपकी मैन पावर पे। तो इसके अलावा जो अर्ली स्टार्ट है, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अर्ली स्टार्ट, इसके लिए मैंने चंद डेफिनेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। जिस तरह ES है, ES क्या चीज़ है इसको आप देख लीजिएगा, LS है, और उसके बाद EF है, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश, और उसके बाद ड्यूरेशन ऑलरेडी मैंने बता दी है, और उसके बाद फ्लोट है। तो जिस तरह अर्ली स्टार्ट है कि इट इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट। अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट होने का, यानी किसी की कोई भी एक्टिविटी जो अर्लीस्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाए वो उसका अर्लीस्ट स्टार्ट होता है। इसी तरह लेट स्टार्ट है, अर्ली फिनिश है, लेट फिनिश है, ड्यूरेशन है और फ्लोट है। तो फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्टिविटी ड्यूरेशन कैन स्लिप विदाउट कॉजिंग द प्रोजेक्ट टू बी डिलेड। प्रोजेक्ट के होल ड्यूरेशन पे अफेक्ट किए बगैर अगर कोई एक्टिविटी हम स्लिप कर सकते हैं आगे पीछे, तो उसको वो जो अमाउंट ऑफ टाइम होगा वो उसे हम फ्लोट बोलते हैं। तो होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी। चलो आगे नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के जरिए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले ये टेबल आपने पहले भी देखा होगा, जिस तरह मैंने चंद एक्टिविटीज़ यहाँ पे सेट की हुई हैं और उसका ड्यूरेशन है और उसका प्रेडिसेसर यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह मैंने वो डायग्राम बनाई है जिसमें इसको सेट किया हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लॉजिक के बेस पे ही हमने अरेंज करना होता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक्टिविटी ए और बी है, ये एक्टिविटी हमारी जो है वो साथ में स्टार्ट हो रही है, उसके साथ जो एक्टिविटी सी, डी और ई है, सी जो है ए के बाद स्टार्ट होगी, तो सी का जो प्रेडिसेसर है वो ए एक्टिविटी है। इसी तरह डी और ई का प्रेडिसेसर बी एक्टिविटी है, यानी कि बी के खत्म होने के बाद डी और ई स्टार्ट होगी। इसी तरह एफ और जी है, एफ का जो प्रेडिसेसर है सी और डी, यानी ये दोनों खत्म होंगी तो उसके बाद एफ स्टार्ट होगा, और उसके बाद हमारे पास जी एक्टिविटी है, जी का जो प्रेडिसेसर है वो ई है, और यानी ई एक्टिविटी खत्म होने के बाद जी स्टार्ट होगा, और इसके बाद एच लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इनका ड्यूरेशन देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैंने ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो एक्टिविटी ए और बी का ड्यूरेशन 0, 4 और 0, 9 है। इसी तरह सी, डी और ई का और एफ, जी का यहाँ पे एज पर ये जो हमारे पास टेबल है, ये हम यहाँ पे ड्यूरेशन हम सेट कर लेते हैं इसको। उसके बाद सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो एक्टिविटी ए और बी है ये डे 1 को स्टार्ट हो रही है। ओके, तो डे 1 को एक्टिविटी ए भी स्टार्ट हो रही है और बी भी स्टार्ट हो रही है, तो इस एक्टिविटी का जो अर्ली स्टार्ट होगा वो डे 1 है। ओके, और अब हमें अर्ली फिनिश फाइंड करना है। अर्ली फिनिश के लिए एक इक्वेशन है,
जो हमने यूज़ करनी है कि अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन माइनस वन विल गिव यू द अर्ली फिनिश ऑफ दैट एक्टिविटी। सो अर्ली फिनिश क्या होगा, 1 + 4 = 5 - 1 = 4। ओके, ये वाली इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं, अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन माइनस वन। उसके बाद अर्ली फिनिश ऑफ एक्टिविटी भी 9 + 1 = 10 - 1 = 9 होगा। अब हम अर्ली फिनिश हमें फाइंड करनी है एक्टिविटी सी की, सॉरी अर्ली स्टार्ट हमें फाइंड करना है एक्टिविटी सी का। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे करेंगे कि जो लिंक एक्टिविटी है जिस तरह इसके साथ ए है, तो प्रेडिसेसर एक्टिविटी में 4 ओके अर्ली फिनिश प्लस 1 विल मेक द अर्ली स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके अर्ली फिनिश प्लस 1, तो अर्ली स्टार्ट हो गया एक्टिविटी सी का। इसी तरह अर्ली फिनिश क्या होगा, 5 + 5 = 10 - 1 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। इसी तरह अर्ली जो स्टार्ट है डी एक्टिविटी का वो भी 10 है, और जो ई एक्टिविटी का वो भी 10 है, क्योंकि 9 + 1 विल मेक 10। ओके अर्ली फिनिश हम देख लेते हैं, ये इसका 9 आ जाएगा और इसका 12 आ जाएगा और इसका 16 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे चले जाते हैं, एक्टिविटी एफ पे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस एफ एक्टिविटी के साथ दो एक्टिविटीज लिंक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि हमें कौन सा ड्यूरेशन लेना होगा, 9 या फिर 12। तो डेफिनेटली ग्रेटर वैल्यू हमने लेनी है, बिकॉज ये वाली एक्टिविटी खत्म होगी तब ये वाली स्टार्ट होगी। ओके ये तो पहले खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये खत्म होगी तब ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो याद रखिएगा कि किसी एक्टिविटी के साथ दो या दो से ज्यादा एक्टिविटीज लिंक हैं, तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा वो हम लेके प्लस 1 करेंगे, तो अर्ली स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास आएगा। तो हमने क्या करना है, ग्रेटर वैल्यू लेनी है और उसमें ऐड कर देना है 1। तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू थी 12 + 1 विल मेक 13। ओके अर्ली स्टार्ट इसका 13 आ गया। उसके बाद हमारे पास अर्ली स्टार्ट इसका 16 + 1 = 17 आ गया। देन हमने अर्ली फिनिश इसका फाइंड करना है, 13 + 15 = 28 - 1 = 27, और इसी तरह 17 + 9 = 26 - 1 = 25। ओके अर्ली फिनिश इसका आ गया। अब लास्ट एक्टिविटी है, तो इसका अर्ली स्टार्ट हमारे पास आ जाएगा 25 या 27। हम कौन सा ड्यूरेशन लेंगे, लॉन्ग वाला, याद रखिएगा लॉन्ग। तो 27, यहाँ पे 27 + 1 = 28 आ गया, और उसके बाद 28 + 5 - 1 विल मेक 32। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो प्रोजेक्ट है ये Day 32 को ख़त्म हो रहा है। ओके आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने अर्ली फिनिश और अर्ली स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी को डिस्कस किया, जिसे हम फॉरवर्ड पास भी कहते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लेट स्टार्ट और लेट फिनिश को डिस्कस करेंगे, और यही एग्जांपल हम प्राइमावीरा में करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि प्राइमावीरा इन सब चीज़ों को कितने आसानी से कैलकुलेट कर लेता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।